Thank you. अच्छा, मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं मसाला नहीं खाता हूं, तुमने फिर भी इसमें इतनी सॉस डाल दी। मैंने टेस्ट किया, मुझे तो ठीक लगा। शायद नींद की वजह से, पता नहीं चला होगा। तुमने कौन सा दोबारा बना देनी है, खा लेता हूँ यही। नहीं, मैं दोबारा बना देती हूँ, मुझे दे, मैं ठीक करके ले आती हूँ। ट्राई करके देखें। तो शक्ल से ही बहुत मजे की लग रही है। बहुत अच्छी है। तुम जाओ, जाकर सो जाओ, मैं खाना खाकर बर्तन खुद ही किचन में रख दूंगा। श्योर? इतना भी जालिम नहीं हूं कि तुम्हें अपने सामने खड़ा रखूं। रात हो गई है, जाकर सो जाओ। नौ बजके आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? क्यों, मैं क्यों जगाता? जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, तुम्हें एहसास होना चाहिए। रोज तो उठ ही जाती हूँ, वो रात को जागने की वजह से आंख नहीं। सिर्फ एक रात में मैंने तुम्हें जगाया, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, और उसका भी तुमने सुबह उठते ही मुझे ताना मार दिया। तुम बीवियां होती ही ऐसी हो, शौहर का एक काम क्या कर दो, जता जता नहीं देती। लीव इट, आई लीव इट माय सेल्फ। मैं तो बस एक्सक्यूज दे रही हूं, ऐसा कुछ है नहीं। एक्सक्यूज? एक्सक्यूज नाकाम लोग देते हैं। मैं अगर अभी ऑफिस ना जाऊं, छुट्टी कर लेता और एक्सक्यूज दे देता हूं कि मेरी बीवी वक्त पर नहीं उठी, मेरा कोई काम नहीं किया हुआ था, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ सका। सॉरी सर, विल इट बी एक्सेप्टेबल?
सुल्तान, सुल्तान है, सुल्तान, सुल्तान प्लीज मेरी एक बात सुने, मैं भी 10 मिनट में नाश्ता बना देती हूँ। अच्छा बस कर दो, ज्यादा अच्छे बनने की एक्टिंग मत करो मेरे सामने। एंड यू नो व्हाट, गलती तुम्हारी नहीं है, कसूर तो मेरा है, क्योंकि चॉइस मेरी गलत थी। गॉड सेक यार, अब ये सुबह ही सुबह रोना धोना मत शुरू करो, अपनी गलती को तस्लीम करना सीखो। मैं मान रही हूं ना अपनी गलती, बस थोड़ी देर में फौरन नाश्ता बना देती हूँ। अब कोई जरूरत नहीं है, नाश्ता मैं ऑफिस में कर लूंगा। थैंक यू। वैसे भाई को इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी, इंसान कभी कभी लेट भी हो जाता है। लेकिन नहीं होना चाहिए ना लेट, गलती मेरी है, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। मनाओ तुम भाई को, मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। अरे नहीं रुको, तुम क्यों नाश्ता बनाओगी, हाला मैं बना देती हूँ, तकल्लुफ की क्या बात है, ऑमलेट खाओगी ना तुम, अभी बनाती हूँ। बात तकल्लुफ की नहीं है, भाई का बिहेवियर मुझे बुरा लग रहा है। भले भाई कितने कड़वे क्यों ना हो बचपन से, लेकिन तुम्हारे जैसी बीवी आने के बाद कोई तो चेंज आना चाहिए ना। असरा मैं नोटिस कर रही हूँ, तुम बहुत बर्दाश्त कर रही हो, बहुत ज्यादा सह रही हो, और भाई किसी एक बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है, बस गुस्से के थोड़े तेज हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। एक तो हमारी घरेलू सियासत का सबसे कॉमन जुमला, गुस्से का थोड़ा तेज है लेकिन दिल का बुरा नहीं। मुझे नफरत है इस लफ्ज से, अरे दिल को किसी ने चीर कर देखना, अगर जुबान ही सांप बनकर डसती फिरे। जब पावर और पैसा होता है ना, पावर और पैसा होता है, तो ये दुश्मन खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। खुद से कोशिश नहीं करनी पड़ती है। अगर मेरे लिए कुछ अहम है तो वो मेरा आज है, और मेरे आज में सिर्फ तुम हो। तुझे इश्क हो खुदा करे, पता नहीं क्यों दिल तुझे इश्क हो तुमसे मिलने को करता है। कोई तुझको मैं सब तो दिल की यही हसरत है, दुआ कि तुमसे मिलके तुम्हें अपना बनाना है। नौशेरवा की जान हो तुम। तुम पर किसी ने उंगली भी उठाई ना, उसका हाथ काट दूंगा मैं।
ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? सर आपके नाश्ता है। ओके। हू आर यू? मैं आपको नहीं जानता। मैंने कल ही आपको मैसेज किया था। आप इतनी जल्दी भूल गए मुझे? हजारों का मैसेज रोज आता है, मैं सबको आंसर नहीं करता। ओके। कोई एक कारनामा हो तो बताएं। आपके कारनामों पे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। अपना तारुफ दीजिए वरना ब्लॉक का ऑप्शन है मेरे पास। जी मैं बताना चाहती हूं लेकिन फिर डर लगता है। किस बात का डर? मैसेज देख लिया लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा। सुने अब झगड़ा खत्म कर देना। कब तक नाराज रहेंगे मुझसे? आप तो जानते हैं ना मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गलती हो गई मुझसे, दोबारा नहीं होगा पक्का। सॉरी। अब मुझे मैसेज या कॉल किया तो ब्लॉक कर दूंगा, समझी? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई नूर। बस सलाम वलाम किए जाओ, टोपी टिकाओ और हेलमेट उठा के आ जाते हो। क्या हुआ हमारे काम का? नहीं मन्नान साहब, आपके मैं पार्टी लेकर आया हूँ, बहुत अच्छी पार्टी। अरे कौन सी पार्टी, हमारा काम नहीं होता, फोकस कहीं और ही है तुम्हारा। अरे मैं लेकर आया था लेकिन उसकी बीवी मर चुकी थी, अब मैं क्या करता? आपने कहा रनवे को नहीं दे। तुम्हारा क्या मतलब, छड़े छाट रनवे को घर दे दूं? क्या हो गया भाई? नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मैं पार्टी जो ला रहा हूँ ना आप इंशाल्लाह तुम्हारा बहुत बेहतरीन है। वाह लिहाज से वो आगे शायद और आइए आइए। मनार साहब, यह है जोनेस साहब। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। ठीक है, बच्चे पसंद करेंगे फिर बड़े आएंगे? अरे नहीं नहीं, यही रहेंगे हम ही अंकल। जी आई वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी, वाइफ अकेली होती है घर पे। एक्चुअली जहां हम करंटली रह रहे हैं वहां सिक्योरिटी के थोड़े से इश्यूज थे, तो फिर नूर भाई ने बताया ये गेटेड कम्युनिटी है, परफेक्ट लोकेशन है, सो दैट्स व्हाई। ये अकेली होती है घर पे, फिर आपकी फैमिली भी है तो यू नो इट ऑल वर्क आउट। घर तो देख लेना पहले, पहले घर दिखा दे आपको फिर करेंगे बात। दिखाओ, आइए मैं आपको घर दिखा। आइए आइए मिस मी, आइए। यह खूबसूरत घर, एक कमरा ये और एक कमरा वो। मैं देख, बिल्कुल देखिए, और वो है किचन और ये लाउंज। नाइस स्टेन। नाइस, क्वाइट स्पेशियस है ना? सोफा है। यहाँ पे ये आपका फोर्टे है, बस मुझे वहाँ टीवी चाहिए। डैमो। सही। मैं इधर वहाँ देख। बिल्कुल देख। इट्स नाइस वैसे है ना? या वेरी नाइस। आसिफ, मैं आ रहा हूँ जरा पार्टी के साथ हूँ, आप बैठे हुई? ओके।
बंदान साहब घर दिखा दिया मेरे, बहुत पसंद आया। आओ जी बैठो बैठो भाई, तुम आप बैठो। अच्छा जी, अभी कोई दिल को लगा जी? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। वालदैन अम्मा अब्बा इधर कराची में रहते? नहीं अंकल, अम्मा अब्बा कराची में होते तो कोई मसला ही ना होता, वो तो लाहौर में रहते, हम भी वहीं रहते थे। अशल और मैं कजन्स हैं, बचपन से मोहब्बत करते थे, फिर हमने भाग के शादी कर ली। इसके घर वाले बहुत खतरनाक है, स्पेशली इसके भाई मेरी जान के दुश्मन, इसलिए हम भाग के कराची आ गए। क्या बकवास कर रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं अंकल, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों कजन्स हैं, मेरी सास फूफो हैं। सॉरी, मजाक कर रहा था मैं, एक्चुअली लाहौर में जॉब कर रहा था, ये भी एक चैनल में जॉब कर रही थी, फिर मेरी जॉब यहाँ हो गई तो यहाँ आ गए। ऑफर कर दी? नहीं, जॉब छोड़ी उसने मेरे लिए, बाद में ये कहते हैं जिंदा दिलाने लाहौर, पता ही नहीं लगता कब मजाक कर रहे हैं। अच्छा छोड़ो भाई, ये बात ये है कि घर मैंने बड़ी मोहब्बत से बनाया है, एक एक बेल बूटे का ख्याल रखा, तो निचला जो पोर्शन है वो हमारे लिए काफी है, इसलिए बस ये ऊपर का पोर्शन दे रहे किराए पे, ढंग के लोग कोई मिल जाए तो फिर समझ ले ढंग के लोग हम ही। नहीं, कहते हैं सारे बाद में नुकसान दे के चले जाते हैं, चूना लगा जाती हैं। नहीं, ऐसा ही है। देखो भाई नूर, साफ बात मैं करूंगा, ये जो कारोबार है और जो मामलात हैं, इसमें ये बेवजह के एतमाद के तो सख्त खिलाफ होंगे, तो बातें साफ साफ कर लेते पहले, 6 महीने का एडवांस ठीक है, और 10,000 रुपये मेंटेनेंस के ये तो देने होंगे पहले। कोई मसला नहीं अंकल, वो तो मेरी कंपनी दे रही है, और हर महीने की 1 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया फिर, हैं भाई नूर, फिर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट बनवाता हूँ वकील से कह के, फिर साइन वाइन कर देना आप, डॉक्यूमेंट सारे चाहिए होंगे असली, पुलिस रिपोर्ट वगैरह जो जो। नो प्रॉब्लम अंकल, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा। हाँ मैं लेकर दे दूंगा आपको, आप मुतमईन रहिए, हो जाएगा जी। चलो मैं चाय का कहता हूँ। नहीं अंकल, नहीं चाय तो पी के ही रहो भाई, लगता है पुराने किराएदारों से चोट खाए। मुझसे कुछ कहा? नहीं, आपसे नहीं। आपस में अंकल की ऊट है वैसे, नहीं देंगे। क्या नहीं सोचा था तुम्हारे लिए सोनिया, अगर अब जिद है तो फिर जिद ही सही। क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी थी सोनिया, सिर्फ तुम्हारी है और किसी की नहीं। नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बगैर, अगर तुम मेरी ना होगी ना सोनिया, तो किसी की नहीं होने दूंगा मैं। शादी नहीं करना चाहती। पहले हाँ क्यों की थी? पहले मैं जानती नहीं थी। क्या नहीं जानती थी? कि मेरे दिल में क्या है। क्या है तुम्हारे दिल में? जुगनू रो लो या फिर जाके बोल दो, तो वो हमजक से इश्क करती। सर ये एक और गाना आया है आपके लिए। ये कहाँ से आया? सर आपके मिसेज ने। अच्छा सुल्तान, सुल्तान प्लीज नाराजगी खत्म कर दें। एक काम करो, ये वापस ले जाओ जी, और ये सर्व करके लेकर आओ। हालां कैब हो गई, चलें? हाँ बस आ रही है, 5 मिनट। तुम्हारे भैया की कॉल है, लगता है मूड ठीक हो गया इनका, उठाओ। हेलो, ये क्या नया ड्रामा है? ये खाना ऑर्डर करके क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम बहुत जिम्मेदार हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। अगर जिम्मेदारी का इतना ही एहसास है ना, तो सुबह वक्त पर उठा कर। जी नहीं, वो मैं बाहर से खाना ऑर्डर करके मुझे इंप्रेस करना, ये पैसों का शो ऑफ, ये करना बंद कर दो, मैच्योर हो जाओ। वो हेलो, क्या हुआ सर? कुछ नहीं, चलें? नहीं, मुझे तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम फिर किसी दिन चले जाएंगे, अभी रहने दो। मैं ठीक हूँ,
और ये तो चलता रहता है ना, रात को आने में अगर देर हो गई तो तुम्हारे भैया का मूड फिर से ऑफ हो जाएगा। मैं पर्स भूल गई हूँ, भूल आती हूँ और फिर चलते हैं। हाँ हाँ, नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत, जानती थी लेकिन आज ये भी पता चल गया है कि जिससे मोहब्बत की जाए उससे शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ तो क्यों, क्यों मुझसे शादी नहीं करती? क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती थी, लेकिन अब पता चल गया, अब पता चल गया कि जब शोहर को ये पता चल जाए कि उसकी बीवी उसके बगैर जी नहीं सकती तो फिर वो उसको जीने नहीं देती। बस बंद करो अपना ड्रामा। ओके कट। अली लेंस चेंज करो, उसको कॉम्पैक्ट करेंगे, ठीक है? यहां से दोबारा करेंगे, ठीक है? ओके अली लेंस रेडी। ओके दोबारा करेंगे, आए। हाँ यस, रेडी रोल, साउंड जीरो सिक्स एंड एक्शन। हाँ हाँ, नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत, जानती थी कि जिससे मोहब्बत। सो रीटेक। मैं पता था कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं, किसी और को दावत क्यों थी? हो जाता है कभी कभी, इसमें इतनी बड़ी बात तो नहीं है। मुझे ये सब नहीं पसंद। डोंट वरी, उसे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन था? डायरेक्टर था, एक नई स्क्रिप्ट ऑफर की है, उसी की कहानी सुनाने आया था। नया ड्रामा। प्लीज सुल्तान, अपना अच्छा मूड खराब मत करो। मेरा मूड खराब नहीं होता, तुम करती हो मेरा मूड खराब। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि हम इतनी जल्दी इतने करीब आ गए हैं, इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं। मेरा तो दिल चाहता है कि हर वक्त तुम मेरे सामने रहो, घर जाने के बाद सिर्फ तुम्हारी बातें सोचती, सिर्फ तुम्हारी ही आवाज मेरे कानों में गूंजती, सिर्फ तुम्हारी। लोग कहते हैं कि मैं बहुत मुख्तलिफ हूँ, मेरा तारीफ करने का अंदाज भी निराला है। सही कहते हैं, तुम हो सबसे मुख्तलिफ। तो कितनी लकी है ना आपकी वाइफ।
लेकिन कभी उसने ये बात मुझसे कही नहीं। इसका मतलब नाशुक्री भी है। तुम शुक्र करती हो कि अपनी मसरूफियत में से तुम्हारे लिए वक्त निकाल लेती हूँ। आपकी यही बातें तो मुझे बहुत बहुत खास लगती हैं। तुम्हारा वो जो अभी ड्रामा वायरल था सोशल मीडिया, देखा मैंने, अच्छी एक्टिंग की है तुमने, लेकिन तुम्हारा वो हीरो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा था। Thank you so much. I'm just happy. सरवत के आते ही महफिल में रौनक आ गई है। लो भाई, मुझे तो अच्छी तरह याद था कि इस दफा मेरी ट्रीट है। तो फिर आप बार बार प्रोग्राम कैंसिल क्यों कर रही थी? अरे भाई, किसे बुरा लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के गपशप करना, पुरानी बातें करना, बहुत मजा आता है। मेरी बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी आरफा, बस इसीलिए मैं निकलना नहीं चाह रही थी। क्या हो गया तुम्हें सरवत? बच्चे हो गए, बाल पोस के बड़े कर दिए माशाल्लाह, बड़े बेटे की शादी कर दी, उसके बच्चों को बड़ा होता देख लिया, सारी जिम्मेदारियां तो तुमने पूरी कर दी माशाल्लाह। और तो और, एक ही बेटी थी माशाल्लाह, उसकी भी अच्छी जगह शादी कर दी। अब तो कम अज कम अपना ख्याल रखो ना। ठीक कह रही हो। देखो ना, ये जो उम्र बची है ना तुम्हारी, ये हम सब के लिए है। बिल्कुल सही है। सही बात है। ठीक कह रही हो भाई। भाई इनके फ्राइड प्रॉन्स बहुत अच्छे हैं, मेरे ख्याल में फ्राइड प्रॉन्स हो जाए। अरे फिर जो तुम लोग खाओगे मैं खा लूंगी, मैं इतनी चूजी नहीं। इटालियन मैगा सैलेड लूंगी मैं, वेट कॉन्शियस हो रही हूँ बहुत। यार वैसे खा खा के मोटी हो रही हूँ, क्या हो गया है? खा खा के सैलेड इसीलिए तो मंगवा रही हूँ, वेट का कॉन्शियस होना यार। वेट की पड़ी रहती है, तो बहाना रहने दो। अच्छा, इसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये हो सुल्तान, डिनर नहीं करेंगे? गेटिंग लेट, डिनर फिर कैसे करेंगे? इतना अच्छा मौका है, भी अच्छी जगह है, मुझे लगता है कि हमें डिनर करके जाना चाहिए। अलीना, बहुत लेट हो गया है, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो बाहर से कुछ ले लेंगे, तुम घर जाके खा लो। फास्ट फूड से तो हम ले लेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पे बैठे और खाना खाएं, ताकि मैं तुम्हारे साथ और वक्त गुजार सकूं। चलो बस फिर ठीक है। हाँ बेटा, ये फ्राइड प्रॉन्स और बाकी ये बताएंगे। अभी इतना वक्त साथ को समय जाए काफी नहीं था। काफी नहीं, मैं तुम्हारे साथ और वक्त गुजारना चाहती हूँ, जितना हो सके उतना। मैंने कहा ना लीना, इस वक्त मूड नहीं है मेरा, तुम तो जानती हो, अगर मेरा मूड ना हो तो कोई भी मुझसे कुछ नहीं करवा सकता। We'll be right back.
हैंड्स डन। तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, समझती हो तुम मुझे। चले, तुम्हारा क्या ख्याल है सरवर? सरवर? हाँ? अरे भाई कहाँ गुम हो गई? हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, बस वो घर से फोन आ रहा है, जरा मैं एक मिनट में आ। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो जो आएगा खाएंगे उसमें आराम से। अब पता नहीं कितनी देर में आता है, टाइम चेक करे तब पता। वालेकुम सलाम। अब मेरा कुछ 6-8 महीनों बाद आना हुआ है असल में, तो मैं पता करना चाह रही थी कि ऊपर रूम्स होते थे ना, तो क्या अब कोई कॉन्फ्रेंस हॉल बन गया है? नो मैम, अभी भी रूम्स ही हैं। अच्छा अच्छा, तो ऊपर रूम्स ही हैं। जी जी बिल्कुल। ओके थैंक यू। ओके मैम। सब खैरियत है घर में? हाँ हाँ सब खैरियत है, बस मेरी एकदम से शुगर लो हो रही थी। भाई ये मसले तो हम सबके साथ ही है ना। हाँ ये जरूर है कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो प्रॉब्लम्स ना। हाँ मैं सोच रही हूँ मुझे चलना चाहिए, शायद जरा सा आराम करके तबीयत ठीक हो जाए। सब ठीक है क्या हुआ? हाँ सब ठीक है, बस थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो रही है। चलो फिर हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, तुम लोग क्यों चलो, ऑर्डर दे चुके हो, खाना आने वाला होगा। कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं बैठूं, लेकिन तुम लोग एंजॉय करो। ऐसे कैसे हो सकता है तुम्हारे बगैर एंजॉय करें, तुमने कैसे सोचा? अरे तुम लोग परेशान मत हो, मैं थोड़ा आराम करूंगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मैं कॉल करूंगी तुम्हें, ठीक है? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा इस तरह से। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नहीं कोई बात नहीं है, तुम लोग कंटिन्यू करो, ऑर्डर कर चुके हो ना, एंजॉय योरसेल्फ, मैं चलती हूँ, मैं तुम्हें फिर कॉल करूंगी, आई विल कॉल यू। अच्छा ख्याल रखो। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके ओके बैठो, तुम बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आप इस तरह मेरे घर आई। मेरा बस चले तो मैं रोज ही आ जाऊं, लेकिन बेटी का घर है ये सोच के रह जाती। तौबा, अब आप किस जमाने की बातें कर रही हैं, आजकल के जमाने में कौन ऐसा सोचता है। आइए अंदर आइए आइए, आप बैठिए ना, मैं असरा को बुला के लाती हूँ। अजीब काम की शौकीन लड़की है, इस वक्त भी किचन में मसरूफ होगी। आप बैठिए जी। मां
क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? हाँ अपा, क्या बात है, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं, बस बहुत दिन के बाद देखा ना इसे, दिल भर आया। अरे मुझे भी देखो, खाली हाथ ही चली आई, मैं भी ना। कैसी बातें कर रही हैं आप, अब तो हम एक ही खानदान के लोग हैं और एक ही घर में कैसे तकल्लुफात। बल्कि आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए जूस बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं अशरफ, तुम बैठो, मैं बना के लाती हूँ। क्या हुआ, आप अचानक कैसे, सब ठीक है ना? तुम खुश तो हो ना? हाँ बहुत खुश हूं मैं। क्यों, आपको कोई शक है क्या? माँ हूं ना, दिल को करार नहीं आता। अरे आपा, तो आप अपने दिल को समझा दें, उसे बता दें कि आपकी बेटी बहुत प्यारी है, उसने अपनी खिदमत गुजारी से हम सबके दिलों को जीत लिया है। मैं भी यही चाहती हूँ, ये आप लोगों को खुश रखे, आप लोग इसको खुश रखें। कोशिश तो हम सब यही करते हैं, बस इंसान हैं, ऊंच नीच हो जाए तो दरगुजर करना पड़ता है। ठीक कहा आपने, शादीशुदा जिंदगी में दरगुजर ही एक तरीका है उलझनों से बचने का। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा यार जल्दी बताओ, मुझे ऑनलाइन ही लेना है लोन है ना? मेरी बेटी अपने घर में बहुत खुश है, उसे नहीं पता कि उसके घर में नकब लग चुकी है। अगर मैं बताऊंगी तो वो टूट जाएगी। अभी वो हंस रही है इसलिए कि बेखबर है, और कभी कभी बेखबरी बहुत जरूरी होती है। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी ताकि वो हंसती रहे।